तो गाइस ये है हमारा नोकिया 1100। और जब हम छोटे थे तो एक रूमर सुनने में आया था कि लोग कुत्ते भगाने के लिए यही नोकिया का फोन को यूज किया करता था। क्या वो बातें सच है या गलत, तो चलिए हम लोग इसको पता करते हैं अलग अलग टेरेन में और अलग अलग डिफिकल्टी में, इसको फेंक के, गिरा के या फिर कुछ भी करके। तो चलिए पता करते हैं क्या कुत्ते भगाने वाला रूमर सही है या गलत। तो गाइस अभी ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है और हम इसको नॉर्मल हाइट से गिरा के देखेंगे। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा निकल गया हम लोग का पहला टेस्ट के बाद, ये कीपैड का ये थोड़ा सा निकल गया और हाँ इधर से गिरा था, ये थोड़ा सा क्रैक आ चुका है। और फ़ोन फिलहाल तो ऑन है, कुछ नहीं हुआ है फ़ोन को, और क्या हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये थोड़ा बैटरी का कवर थोड़ा सा खुल गया और बाकी सब ठीक है। तो अभी हम सेकेंड टेस्ट के लिए चलेंगे और सेकेंड टेस्ट में इससे भी थोड़ा हाई हाइट से देखेंगे कि क्या होता है। ये है हमारा टेस्ट नंबर 2 और ये हम अलग अल्टीट्यूड से टेस्ट करने वाला है। ये क्या फोन, कैमरा इधर लाइए, इधर लाइए कैमरा, इधर लाइए। देखिए गाइस आप देख सकते हैं फोन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मिट्टी देख सकते हैं आप, मिट्टी पूरा दब गया, ऐसे मिट्टी दब गया। तो कुछ हद तक तो सही लग रहा है कुत्ते भागने वाला रूमर्स। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो रूमर सही है या गलत, क्योंकि हम लोग ने ये दूसरा टेस्ट किया था और इसका अल्टीट्यूड भी अलग था और आपने देखा कि मिट्टी घुस गया था। सो अभी हम लोग वापस से इससे भी ऊंची वाले हाइट से देखते हैं कि क्या होता है इस फोन को। फिलहाल तो पहले जैसा ही हुआ है, ये बस सिर्फ कीपैड का ये निकला हुआ है। तो अभी हम लोग का थर्ड टेस्ट, सो गाइस चलो थर्ड टेस्ट पे देखते हैं कि ये फोन थर्ड टेस्ट तक सरवाइव करते हैं या नहीं। जैसे कि आप लोग ने देखा हम लोग का टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 पे इस फोन को आप लोग ने अलग अलग अल्टीट्यूड से फेंका था, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हम लोग ने सोचा था। सो हम इसलिए सोचे कि चलो हम लोग अभी टेस्ट नंबर 3 पे चलते हैं और अलग सा एल्टीट्यूड और उससे भी ऊंचाई वाला एल्टीट्यूड से देखते हैं। ये है हमारा टेस्ट नंबर 3 और आप ऊंचाई देख सकते हैं, ये तकरीबन 5 मीटर है और हम अभी इस हाइट से इस फोन को गिरा के देखेंगे और देखते हैं कि इनमें कितना नुकसान होते हैं। और पिछले वाला में तो आपने देखा इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ, सो क्या आपको लगता है अभी उससे भी ज़्यादा नुकसान इस वाला हाइट से होगा या नहीं। हमने अभी अभी जस्ट ऊपर से नारुतो रन करके आया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा फोन, एक बैटरी पार्ट, ये बॉडी पार्ट और ये हम लोग का कीपैड और ये हम लोग का बैटरी पार्ट, तो चार भागों में बांट गया है। और मुझे भागने के बाद बहुत थकान हो रहा है, तो अभी देखना पड़ेगा कि ये फोन अभी भी काम करता है या नहीं। तो अभी हम सब कुछ रिकनेक्ट करके और रिप्लेस करके देखते हैं कि हम लोग का फोन अभी भी ऑन होता है कि नहीं। तो देखो गाइस हम लोग का नोकिया 1100 अभी भी ऑन हो रहा है। तो अभी हमको थोड़ा विश्वास हो रहा है कि कुत्ता को भागने वाला रूमर अराउंड 70% तक हमको विश्वास हो रहा है, क्योंकि हम लोग का फोन अभी भी चल रहा है। सो अभी हम लोग का वारी है बिल्डिंग दिखा, वो ऊंचाई से उतनी ऊंचाई से अभी हम लोग लास्ट एक टेस्ट करेंगे और अगर उसी टेस्ट को भी ये फोन हम लोग का सरवाइव करते हैं तो हम लोग का कुत्ते को भागने वाला रूमर 100% सही है और उसको हम लोग हैंड्स प्रूव करके हम लोग वीडियो वहीं पे खत्म कर देंगे। तो चलो उस बिल्डिंग के ऊंचाई से हम लोग इस फोन को गिरा के देखते हैं।
तो देखो गाइस हम कितना ऊंचाई पे हैं अभी। ये हम लोग का लास्ट राउंड है, यानी कि फाइनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 4। और ये रहा फोन और ये फेंक दिया मैंने ऊंचाई पे। तो गाइस यहाँ देखिए हम लोग का फोन, हम लोग ने बहुत ऊंचाई से फेंका था। इस बार सिम इधर है, बैटरी इधर है, हम लोग का कीपैड इधर है और ये कवर, ये फोन। अभी क्या है कि हम लोग इसको वापस से अपने अपने जगह पे लगा के देखते हैं कि हम लोग का फोन का डैमेज तो बहुत खतरनाक से हुआ है इस बार। ये देखिए फोकस हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर अभी हम लोग इसको वापस से लगा के देखते हैं। फिलहाल तो सिम का ज़रूरत नहीं, बस हम लोग बैटरी लगाएंगे और देखते हैं कि हम लोग का फ़ोन अभी तक ऑन हो रहा है कि नहीं। सो नो वर्ड्स गाइस, देखो नोकिया 1100 इज द मोस्ट पावरफुल फोन आई हैव एवर सीन। ये देखिए गाइस अभी भी ऑन हो रहा है हम लोग का नोकिया 1100, पर ये सब पूरा खराब हो चुका है। यानी कि हम लोग का कुत्ते को भागने वाला रूमर 90% सही है, क्योंकि डैमेज तो हुआ है ना गाइस, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। सो गाइस हम लोग वीडियो यहीं पे कर रहा है एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर हो सके तो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 1K क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट एम है मेरा मोनेटाइजेशन, क्योंकि मोनेटाइजेशन होने के बाद हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाएगा। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगा तो नेक्स्ट वाला कंटेंट आपको जरूर पसंद आएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।